काम कर रहे हैं उसको बचाने के लिए हम किसी सीमा तक जा सकते हैं। बिल्कुल हमने कहा सुनिए मेरी बात, हमने प्रारंभ में ही कहा कि जो आशंका हो रही या आक्रोश बढ़ रहा है उसको रोकने की जवाबदेही प्रशासन सरकार को है, लेकिन प्रशासन सरकार फिर भी अगर इस रवैया से बात ना है तो जनता चुप नहीं बैठे। हमने कहा है कि जनता हिंसक होती है, रोकने की जवाबदेही उनकी है, लोग जवाबदेही उनकी है, वो रोके। हम लोग जनता को भड़काना नहीं चाहते, लेकिन आक्रोश जो दिख रहा है अवगत कराना हमारी जवाबदेही है। हम भी भारत के नागरिक हैं और पॉलिटिकल पार्टी के भी एक जिम्मेवार हम लोग सदस्य हैं, तो हमारी जवाबदेही है जनता में कोई ऐसी बात आ रही है तो सत्ता तक पहुंचाना। हम आपके माध्यम से सत्ताधारी दलों तक यह बात पहुंचाना चाहते ताकि लोग अलर्ट हो और वैसा रवैया जो करने पर उतारू है रवैया पहले रोके और फिर जनता के संदेह को भी दूर करें। हमने नहीं कहा कि भैया जनता में कोई ऐसी बात आ रही है। एक बात पहले बताएं, मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब लीजिए। नंबर 1 तो हम मंत्री नहीं, इसलिए आप मंत्री का मुझे संबोधित न करें। दूसरी बात जहां तक है, जनता के बीच जो संभावना दिख रही है, आशंका दिख रही है, आक्रोश दिख रहा है, उससे अगर हमको जानकारी हुई है तो मेरा दायित्व बनता है इन बातों को हम सरकार तक पहुंचाएं। सरकार हम लोग की बात नहीं सुनेगी, आपके माध्यम से सुनाना चाहते, इसलिए इस बात को हम आपके माध्यम से भारत सरकार और राज्य की सरकार को पहुंचा रहे ताकि लोग देखें, अन्यथा कल कुछ होगा तो जवाबदेही उनके ऊपर है और होगी। अरे बारी बारी से सवाल पूछिए, अरे भाई बारी बारी से सवाल पूछिए, सवाल हम सब जवाब देंगे, आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन बारी बारी से सवाल हो तब। पर्टिकुलर एक सीट की बात नहीं, एक सीट कोई पार्टी हार सकती है जीत सकती है इसका मामला नहीं है, मामला है पूरे बिहार और देश भर में जिस तरह से इनका रवैया आ रहा है उसकी बात हम करें। पर्टिकुलर एक सीट पर कौन जीत जाए कोई हार जाए इसका मामला नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।